एमपी में शुरुआत दांव धर्म मजहब पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ पूर्व सीएम हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते दिखे, तो दूसरे नेता पूर्व सीएम रहे दिग्विजय सिंह बजरंग दल पर बैन के वादे से पलटते हुए क्लीन चिट दे रहे हैं। उधर इसी कांग्रेस के एक नेता उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि भारत के मुसलमान सारे हिंदू थे तो सियासत सुलग उठती है। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनावी बेला आते ही देश में हिंदू मुसलमान का खेला शुरू हो गया है, क्या जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सेक्युलर और लिबरल, कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का राज लगते हैं। अभी बेला क्या आई, धर्म और मजहब की चुनिंदा तीरंदाजी होने लगी। एक बार फिर वही नेताओं का जाल होगा, वोटर का होगा इम्तहान, मुद्दे हजारों होंगे लेकिन चर्चा होगी वही हिंदू मुसलमान। कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर नंगे पांव चलने का तप करेगी, कहीं मंदिर मस्जिद पर दिखेगी फिक्रमंद, कहीं मुसलमानों की नस्ल में हिंदू गुणसूत्रों की तलाश होगी, कहीं सेकुलरिज्म तो कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर होगा फर्जी रण। ताजा हृदय परिवर्तन की अद्भुत कहानी उसी अजब गजब मध्य प्रदेश से आई है जिसे कांग्रेस ने चुनावी प्रयोगशाला बनाया है। प्रयोग ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ देर हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगी, कुछ देर हिंदुत्व के साथ दिखेगी, कुछ देर धर्म निरपेक्षता का ध्वज थामे घूमेगी, कुछ देर महावीरी झंडा लहराएगी, कुछ देर सांप्रदायिक ताकतों पर एक्शन के वादे करेगी, कुछ देर उन्हीं ताकतों को अभयदान देगी। मतलब पॉलिटिकल प्रपंच में नीतियों का ऐसा भ्रमजाल होगा कि जनता कंफ्यूज हो जाए कि वोट धर्म निरपेक्षता पर देना है कि सांप्रदायिकता पर। यकीन न हो तो एमपी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान सुन लीजिए। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व है वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांध कर बजरंग दल में है। देखिए बैन नहीं करेंगे लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। अब विरोधी सवाल उठाते रहे कि ये क्या बात हुई, बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने के वादे पर वोट लिया और अब मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल के नाम पर वोट की चाल। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता बैन की, और कांग्रेस तो झूठ बोल के वोट लेती है, कर्नाटक में लगा लिया क्या? लेकिन अच्छा है इनको अब याद आने लगे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स का पेंडुलम काल यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ कमलनाथ बागेश्वर धाम के चरणों में नजर आते हैं तो दूसरी तरफ हनुमत भक्त से लेकर 84% वाले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताने वाले राग अलापते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहने वाले इस्तीफा दे दें। क्या भारतीय संविधान में है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं हिंदू था, हूँ और रहूंगा, और हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ, और भाजपा के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूँ। ये और बात है, कांग्रेस चुनावी बेला में हिंदू हिंदुत्व मंदिर की बातें करने लगे। उज्जैन के महाकाल से लेकर दतिया की पीताम्बरा पीठ तक पूजा पाठ करती दिखाई देने लगे, तो बीजेपी सवाल उठाती है कि चाहे दिग्विजय सिंह खुद को हिंदू साबित करने के लिए पदयात्रा करने लगे या कमलनाथ बागेश्वर धाम की शरण में जाकर खुद को बजरंग बली का भक्त करार देने लगे, सब वोट साधने की सियासत है। देखिए इस देश में उन्होंने हर समय हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है, हर समय देश में इस तरह के माहौल बनाया है कि हिंदू संगठन, हिंदू मतावलंबी इस देश में अराजकता फैलाते। ये दिग्विजय सिंह का एजेंडा है, कांग्रेस को केवल चुनाव में याद आ रहे हैं हिंदू। दरअसल इसके पीछे सीधे सीधे वोटों का गणित है।
जिस कांग्रेस पार्टी के पास 2013 में सिर्फ 58 सीटें थी और सत्ता में वापसी की राह नजर नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की डोर पकड़ ली। दिग्विजय सिंह 192 दिन नर्मदा की परिक्रमा पर निकल पड़े। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक पूजा पाठ करते दिखने लगे। हिंदुत्व का आशीर्वाद मिला और 2018 में कांग्रेस 58 से सीधा 114 सीट पर पहुंच गई। इस बार फिर कांग्रेस वही पत्ते दोहरा रही है। दिग्विजय सिंह मौका मिलते ही पांव से जूते चप्पल उतार कर कटीली पथरीली पगडंडियों पर वोटों की धर्म यात्रा करने लग रहे हैं। मौका पाते ही कमलनाथ हिंदू हिंदुत्व बजरंग बली की भक्ति के दांव खेलने लगे हैं और बीजेपी बौखलाई है कि उनकी पिच पर कांग्रेस या गुरिल्ला वॉर टैक्सिस वाली पॉलिटिक्स कैसे कर सकती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।